अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 नाइन्थ क्लास की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर टू आज हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला जो इसका पार्ट है 3x-5 bar इज इक्वल टू 4। अब इसको मॉड कहते हैं। अब मॉड की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब भी मॉड ख़त्म होता है तो दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस में आ जाती है। यानी कि एक दफ़ा उसको प्लस में लेके सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस में लेके सॉल्व करते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिया और एक दफ़ा माइनस में ले लिया। अब -5 है उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 4+5 9 आ जाएगा और डिवाइड में 3 3 3 9, एक्स की एक वैल्यू आ गई 3। अब 3x-5 है उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा, -1 बच गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू है 3 और एक वैल्यू है -1/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट नंबर टू में सबसे पहले -4 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि 11+4 1/2, 3x+2 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 आ गया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 30। अब मॉड को ख़त्म करता हूँ, जब मॉड ख़त्म करूँगा तो दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है 30 है तो प्लस और माइनस में लिख लूँगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लेके सॉल्व करता हूँ और एक दफ़ा इसको माइनस में लेके सॉल्व करता हूँ, 3x+2 इज़ इक्वल टू -30। सबसे पहले ये वाली साइड सॉल्व करता हूँ, 3x+2 इज़ सॉरी यहाँ पे +2 है उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, 3x इज़ इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में लिख लेंगे। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, 3x इज़ इक्वल टू -30 -2, 3x इज़ इक्वल टू -32। दोनों माइनस में हो तो वैल्यूज़ प्लस हो जाती हैं लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में लिख लेंगे। दो आंसर आ गए हमारे पास, एक 28/3 और दूसरा आंसर आ जाएगा -32/3। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पहले पार्ट की तरह है। मॉड ख़त्म करते हैं, मॉड जैसे ही ख़त्म करेंगे दूसरी साइड पे प्लस और माइनस आ गया, 2x+5 इज इक्वल टू +11, 2x+5 इज इक्वल टू -11। अब सबसे पहले 5 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 6। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में लिख लूँगा, 2 3 ज़ार 6, एक्स की वैल्यू आ गई है 1 3। अब +5 है उधर जाएगा तो -5 बन गया, यहाँ पे आ गया -16। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जब उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 टाइम टेबल जा रहा है तो एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई -8। आंसर आ जाएगा 3 and -8। अब इसके अगले पार्ट में बिल्कुल उसी तरह हम मॉड ख़त्म करते हैं। जब मॉड ख़त्म करेंगे तो इक्वल के उस साइड पे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दिया। आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिखूंगा, इसके साथ 6x-7 और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, -6x-7। तो सबसे पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, एक्स वाले एक तरफ करता हूँ और नंबर एक तरफ लेके जाता हूँ, 2x-6x इज इक्वल टू -7-3। दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी थी और यहाँ पे -10 आ जाएगा। अब -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस काट के 2 के टेबल से 5 2 के टेबल से 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम, 3+2x इज इक्वल टू -6x, -+7, 2x- इधर आके प्लस का हो गया, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड में लिख लेंगे, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, 1/2 आ गया।
दो आंसर आ गए, एक 5/2 और एक 1/2। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या करते हैं, मॉड वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके आते हैं और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। एक्स प्लस टू, यहाँ पे माइनस था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसी तरह 3 उधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखें दोनों एक जैसे हैं, 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा, बाय 2 लिख लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसी हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 8। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 8/4 बच गया। अब मॉड खत्म करता हूँ, मॉड खत्म करूँगा तो +-4। अब एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा इसको और एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा। अब +2 है उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। +2 है उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा, दोनों माइनस के हों तो होते प्लस हैं लेकिन साइन माइनस का, तो आंसर आ जाएगा 2 and -6। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले 21 को उस साइड पे लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 1/2 इक्वल्स 21, में से 9 जाएगा तो -12 क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की। अब मॉड वाली वैल्यूज में अगर दूसरी तरफ माइनस आ जाए तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है अगर दूसरी साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उस पर मॉड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इसको इतना ही करेंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो इसका पार्ट नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको गौर से समझिएगा। इसमें -1/3 को पहले दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2/3 +1/3। अब जस्ट इसका हम एलसीएम ले लेंगे, जब भी एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ उसी तरह आ जाती हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ये 3/3 बन जाएगी यानी कि 1। अब इस साइड पे क्या है हमारे पास, 1, ये तो उसी तरह रहेगा। अब देखें 1 आ गया इस साइड पे, तो अब मैं क्या कर लूँगा, मॉड ख़त्म कर दूंगा। मॉड ख़त्म करूँगा तो मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, +-1, 3 - 5x, 4 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा +-4। 3 - 5x इज इक्वल टू 4, एक दफ़ा प्लस में 3 - 5x इज इक्वल टू -4। अब 5x उधर लेके जाता हूँ, 4 को इधर लेके आता हूँ, 4 माइनस का हो जाएगा, 5x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, एक एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। -4 इधर आएगा तो +4 बन जाएगा, ये -5x इस साइड पे जाएगा तो +5x बन जाएगा, यहाँ पे बन गया 7 और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी -1/5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 7/5, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्योंकि अकेली वैल्यूज़ हैं तो डायरेक्ट मॉड ख़त्म करते हैं। मॉड ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पे +-2 आ गया, x+5/2-x एक दफ़ा +2 के साथ, और x+5/2-x एक दफ़ा -2 के साथ, ये तो डिवाइड हो रही है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 2 - x, x+5 इज इक्वल टू 2 × 4 - 2x। अब 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई। अब ये तो डिवाइड हो रहा है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - x के साथ, x+5 इज इक्वल टू -(+-)(2 × 4 - -)+2x, x - 2x इज इक्वल टू -4 - 5, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -x और यहाँ पे आ जाएगा -9। माइनस और माइनस आपस में कट गए, x की वैल्यू आ जाएगी 9, तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा -1/3 और 9, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।